इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में हुए मंदिर शिलान्यास ने दिल्ली का तख्त बदल डाला। यह अयोध्या की ही ताकत थी जिसने राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। शिलान्यास के साथ खड़ी भाजपा 2 सीटों से 85 पर पहुंच गई, जबकि शिलान्यास के विरोध के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि के कारण देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनका जनता दल 143 सीटें जीतकर भाजपा तथा अन्य दलों के समर्थन से सत्ता पर काबिज हो गया। शिलान्यास को संभव बनाने के प्रयासों के बावजूद पिछले चुनाव में 415 सीटें लेकर इतिहास रचने वाली राजीव गांधी की कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट गई और सत्ता से बाहर हो गई। कुल मिलाकर राजीव गांधी पेवेलियन से शिलान्यास का खेल खेल रहे थे और विकेट पर जमी भाजपा ने सारा श्रेय लूट लिया। बाद में नरसिंह राव ने भी इसी छिपे हुए हिंदुत्व के सहारे अयोध्या को डील किया, मगर अयोध्या की आंधी में जो छिपा था वो और भी प्रखर होकर उभरा। शिलान्यास की नींव पर तब राम मंदिर भले ही न बना हो, लेकिन देश की हिंदुवादी राजनीति का भव्य महल जरूर खड़ा हो गया। इसके बाद आया कार सेवा का साथ। दरअसल 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के सहारे ही चल रही थी, इसलिए अयोध्या का हल निकालने की संभावना ज्यादा प्रतीत होने लगी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अयोध्या के सवाल पर जितनी दूरी विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थी, उससे कहीं ज्यादा दूरी प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच थी। वीपी सिंह भाजपा के दबाव में साधु संतों को बुलाकर अयोध्या पर बैठकें करते थे और मुलायम समझते थे कि वे बैठकें उनकी सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए बार बार बुलाई जाती है। वीपी सिंह किसी भी हाल में भाजपा से टकराव के मूड में नहीं थे, जबकि उनसे हिसाब चुकता करने के चक्कर में मुलायम सिंह बाबरी समर्थकों के पाले में जा बैठे। गुस्से में आकर बाबरी एक्शन कमेटी के 3 संयोजकों में से एक आजम खां को उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। दूसरे संयोजक शफीक उर रहमान को अपनी पार्टी से सांसद बनाया और तीसरे जफरयाब जिलानी को कानूनी सलाह के लिए अपने साथ रख लिया। कहा जाता है मुलायम की पीठ पर चंद्रशेखर का हाथ था, जो देवीलाल और वीपी सिंह छिपे एजेंडे के कारण प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पिछड़ गए। आखिर मुलायम के बाबरी समर्थक स्टैंड के कारण उत्तर प्रदेश का मजहबी ध्रुवीकरण होता गया, समाज मंदिर और मस्जिद में बंटता गया। बाद में यही हाल लगभग पूरे देश का हुआ, स्थिति बिगड़ती गई। जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। केंद्र और राज्य में अविश्वास और संवेदनहीनता इस हद तक थी कि एक बार केंद्र सरकार अयोध्या व विवादित जमीन के अधिग्रहण का अध्यादेश लाई तो मुलायम सिंह ने खंभ ठोक कर ऐलान कर दिया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा, कौन सी सरकार रोकने वाली है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।